हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज मैं आप लोग को पाकिस्तानी नेक डिजाइन सिखाऊंगी कॉटन फैब्रिक पे। तो फ्रेंड, उसके लिए बुकरम पे कट करना होता है। तो बुकरम मैं 11 इंच का लंबाई ले ली हूँ और चौड़ाई 4 इंच का ली हूँ। फ्रेंड, इसी में मैं नेक आपको डिजाइन बताऊँगी। तो चलिए, 2.5 इंच पे पहले ऊपर से ड्रॉइंग कर लेते हैं और यहाँ से निशान बनाते हुए नीचे की तरफ मैं टोटल 10 इंच पे लूंगी एक निशान। तो यहाँ पे 10 इंच का डीप में ले रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। अब इसी जगह से इस तरह से फीता को तिरछा रखूँगी और भी शेप में ड्राइंग कर लूँगी। फ्रेंड, तो यहाँ एक मार्क में लगा दी हूँ। अब इसके बगल में जस्ट 1/2 इंच का दूरी पे एक और निशान लगाऊंगी और इस निशान को सीधा इस तरह से फीता रखते हुए दूसरा निशान भी बना लूँगी। तो यहाँ पर टोटल 2 निशान बन गए। अब ये गोल शेप में ले रही हूँ, कोई भी आप साइज का ले सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से राउंड राउंड करके यहाँ पे आपको शेप दे देनी है। तो यहाँ पे मैं कटवर्क डिजाइन पे शेप लगा रही हूँ, इस तरह से इस निशान के अंदर भी लगा ली हूँ। अब इस निशान के ऊपर मुझे कट कर लेना है। फ्रेंड, तो फ्रेंड जैसा मैं ड्राइंग की हूँ बिल्कुल राउंड में मैं कट कर लूँगी। फ्रेंड, यहाँ पे जैसा ड्राइंग किया हुआ बिल्कुल वैसा ही साइड से कट कर लेना है। उसके बाद में कट करने के बाद अब इसकी 1 इंच की चौड़ाई लेनी है साइड से एक्स्ट्रा बुकरम। आप चाहो तो इससे पतले या चौली रख सकते हो। फ्रेंड, तो बस इसको इस तरह से फीता रख के तिरछा एक और कट लगा देना है। बस आसान है नेक डिजाइन बनाना, पाकिस्तानी नेक डिजाइन। तो फ्रेंड, ये वी शेप में कटवर्क डिजाइन कट गया। अब हम कुर्ती का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर हम इस तरह से साइड से फोल्ड करके इसको चिपका लेंगे। तो पहले मैं आयरन से चिपका ली हूँ और साइड से सिलाई लगा रही हूँ, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फ्रेंड, अब यहाँ एक सेंटर बनाना है। सेंटर बना के यहाँ छोटा सा कट लगा लेना है। उसके बाद में अब कुर्ती पे हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो कुर्ती चलिए बिछा लेते हैं सीधे में, और यहाँ सेंटर मिलाते हुए रखना है नेक को, और यहाँ पे दोनों को मिला के रखना है और छोटे पिन से सिक्योर कर लेना है। तो 2 से 4 पिन यहाँ पे आप सेंटर में लगा लो, जिससे आपका नेक साइड से घसके ना, बिल्कुल फिक्स हो जाए। उसके बाद में जैसी कटवर्क डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में आपको आहिस्ते आहिस्ते सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे छोटे कटवर्क में थोड़ा सा घुमाओ थोड़ा सा मुश्किल होती है, पर धीरे रख के आप आराम आराम से सिलाई लगाते जाओ और घुमाते जाओ। फ्रेंड, अगर आपको ये नेक डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं इस तरह का वीडियो हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, जो आपको आसानी हो सके सीखने में। फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं कॉटन फैब्रिक से बता रही हूँ आप लोग को नेक डिजाइन। तो ये पाकिस्तानी नेक डिजाइन बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। फ्रेंड, तो आप अगर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड, तो आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना, एकदम आसानी से बना पाओगे एक बार वीडियो देखने के बाद। फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए सिलाई मेरा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड, अब सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से धागा को निकाल लेना है और यहाँ पे सुई को भी निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, जैसे कटवर्क है बिल्कुल 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसी गुलाई में मैं कटते हुए पूरे नेक की कटिंग कर लूँगी, जैसे शेप है बिल्कुल वैसे है। बस ध्यान रहे धागा ना कटे आपकी, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद में छोटे छोटे नोचेस जरूर लगाना है बीच बीच में, क्योंकि जब हम नेक पलटेंगे तो आसानी से पलट जाए और फिनिशिंग के साथ उभर के आए। फ्रेंड, अब उंगलियों के मदद से इस तरह से छोटे छोटे जो भी कट है इसको पलटते हुए आपको सीधा कर लेना है। फ्रेंड, इस तरह से आसानी से सीधा हो जाता है ये कटवर्क डिजाइन। देखो फ्रेंड, मैं इस तरह से आपको पलट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से पलट के अंदर की तरफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी तरह से हाथ से खींच लेना है। खींचने के बाद यहाँ पे एक प्रेस लगा के सीधा कर लेना है। फ्रेंड, तो यहाँ पे प्रेस लगाने के बाद देखो फ्रेंड कितनी अच्छी निखर के आई है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, ऊपर से मैं 6 इंच ओपन रखने वाली हूँ और यहाँ से नीचे की तरफ 4.5 इंच मैं बंद कर दूँगी। इसके लिए अलग से एक फेब्रिक लेंगे, जो ट्राउज़र पैंट का कपड़ा मैं ली हूँ, 7 इंच चौड़ाई और लंबाई डबल ले ली हूँ। फ्रेंड, तो यहाँ पर अब हम पिंटेक्स डालने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे ऊपर में एक फोल्ड लगाएंगे, क्योंकि ये है कोर वाली एरिया, तो इसको हम एक सिंगल सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। इसमें मैं बिना पेपर पेस्टिंग के बना रही हूँ। फ्रेंड, अब ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे
मैं पिनटक डालने के लिए बिल्कुल किनारे में सिलाई एक लगा रही हूँ। उसके बाद जस्ट दो सूत के दूरी पे यहाँ एक और पिनटक डाल दूंगी, इस तरह से एकदम साइड में इसके चिपका के डालूंगी। तो दो पिनटक एक साथ डालने के बाद फ्रेंड इस तरह से ओपन करके रखना है। उसके बाद इसके नीचे एक इंच की दूरी बना के फिर से एक और पिनटक डालना है। तो फ्रेंड इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल एक और पिनटक डालना है, और डालने के बाद ठीक इस तरह से सिलाई लगा के पिनटक जब कंप्लीट हो जाए तो फिर एक इंच की दूरी पे आपको पिनटक डालते जाना है। तो इस तरह से मैं दो चार करके मैं पिनटक डालते जा रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे टोटल मैं 7 पिनटक डाल दी हूँ। आप अपना नेक के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप इस तरह से डालते जाना एक एक इंच दूरी पर फ्रेंड। तो एक एक इंच की दूरी पे दो दो पिनटक डालते जाना है। तो यहाँ पे पिनटक मेरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे पिनटक डालने के बाद अब हम यहाँ पे ओपन करके रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो फ्रेंड 4.5 इंच का मेरा रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर में जो प्लेन है सिल्वर कलर की लेस हम डालेंगे। तो ये सिल्वर कलर की लेस इसके प्लेन वाली एरिया में हम एक एक करके डालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे फ्रेंड। तो इस खाली वाली जगह में आप इस तरह से कोई भी लेस अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैं इसमें मेरे पास यही अवेलेबल था इसलिए ये इसी लेस को मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड। तो आप अपना पसंद से कोई भी लेस डाल सकते हो, ये आपका पसंद के ऊपर है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो मैं 5 टोटल लेस लगा के कम्प्लीट कर ली हूँ और साइड से कटिंग भी कर ली हूँ। आप कुर्ती के नेक को इस तरह से फैला के रखना है और इसके अंदर में कुर्ती को इस तरह से डालना है फ्रेंड। डालने के बाद आपको यहाँ पे पिन से फिर एक बार और सिक्योर कर लेना है 3 साइड में, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा तो आपका कपड़ा घसकेगा नहीं साइड से फ्रेंड। तो यहाँ पे दोनों साइड में पिन लगा के और नीचे एक पिन लगा के सिक्योर कर ली हूँ। अब यहाँ से ऊपर से हम ठीक एक सूत की दूरी पर सिलाई लगाते हुए एक साइड से दूसरे साइड कम्प्लीट करेंगे फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड जैसे मेरी कटवर्क डिजाइन है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाते हुए ऊपर से मैं नीचे आराम आराम से लगा रही हूँ फ्रेंड। आप इसी तरह सिलाई पूरे नेक में लगाना फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड पाकिस्तानी नेक डिजाइन लेस वाला मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप कपड़े की डिजाइन डाल के पिनटक डालकर अंदर में डिजाइन बना सकते हो फ्रेंड। तो बहुत आसान है ये नेक डिजाइन बनाना फ्रेंड। बस आपको 10 मिनट में कोशिश की हूँ कटिंग और स्टिचिंग बताने की। तो फ्रेंड आपको ये कैसा लगा नेक डिजाइन जरूर बताना फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे फिक्स कर ली हूँ नेक की। अब इसकी फिनिशिंग आप देख के खुद बता सकते हो कैसा लग रहा है फ्रेंड। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना भी फेब्रिक है पीछे के साइड में आपको यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पे कट कर लेना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रखने की फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये कुर्ती के फ्रंट नेक तैयार हो चुका है फ्रेंड। अब इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम वी शेप में एक लेस लगाऊंगी। उसके बाद में इसके जस्ट बगल में जैसे मैं लेस अभी लगा रही हूँ उसके बाद फिर एक और लेस लगाऊंगी फ्रेंड। तो आप यहाँ पे वी शेप दे सकते हो या यू शेप देकर इस तरह से लेस की डिजाइन दे सकते हो फ्रेंड। और एक बात है फ्रेंड, ये लेस थोड़ा ज़्यादा पतली हो गई है। अगर मार्केट में आपको 1 इंच की चौली लेस मिले उससे आप नेक बना सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं पतला लेस होने के कारण मैं यहाँ पे डबल लेस देने वाली हूँ, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा फ्रेंड। तो ठीक इसके बगल में मैं लेस इस तरह से अटैच करने वाली हूँ और दोनों लेस एक दूसरे के साथ में होगी, इससे क्या होगा थोड़ा हाईलाइट मेरा हो जाएगा नेक पे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं कॉटन प्रिंटेड पे यहाँ पे पाकिस्तानी नेक डिजाइन बना रही हूँ फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड। तो ये कैसा लगा कुर्ती नेक डिजाइन फ्रेंड आप देखना। चलो फ्रेंड यहाँ पे तो रेडी हो चुकी है। तो इस तरह की वीडियो मैं हमेशा अपलोड करती रहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर डालूँ फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड। तो मुझे तो ये कुर्ती नेक डिजाइन बहुत पसंद आई फ्रेंड। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से आप ऑन करके देख सकते हो, उससे आपको समझने में आसानी होगी फ्रेंड। तो कम पैसे में ये नेक डिजाइन